नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। चीन में एक बार फिर से कोरोना वायरस के नए मामले सामने आने लगे हैं। कोरोना केसेस में तेजी से हो रहे इजाफे को देखते हुए चीन ने अपने यहाँ गुआंगडोंग इलाके में कई तरह की पाबंदियां लगा दी। चीन में 31 मई को 23 नए कोरोना केसेस दर्ज किए गए, उससे एक दिन पहले 27 केस सामने आए थे। इनमें करीब एक दर्जन केस साउथ गुआंगडोंग इलाके में ही सामने आए, इसलिए इन इलाकों में पाबंदियों का ऐलान किया गया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि गुआंगडोंग से बाहर जाने वाले किसी भी व्यक्ति को कोरोना का टेस्ट करवाना होगा, साथ ही यहां आने वाले व्यक्ति को भी टेस्ट करवाना होगा। गुआंगडोंग प्रांत हांगकांग के इलाके से सटा हुआ है। चीन ने अब गुआंगडोंग इलाके में जगह जगह कोविड टेस्टिंग लैब की व्यवस्था कर दी। साथ ही अब जो भी व्यक्ति प्लेन, ट्रेन, बस या प्राइवेट कार से इस इलाके से बाहर जाएगा तो उसे दिखाना होगा कि वो कोविड नेगेटिव है। आपको बता दें कि गुआंगडोंग में भले ही अभी दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले काफी कम केस हो, लेकिन चीन किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता। चीन ने पहले दावा किया था कि उसने कोविड को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन कुछ कुछ वक्त बाद यहां पर कोरोना के नए केस निकल कर सामने आ जाते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।